उल्टियां आना और जी मचलाना घर के बाहर निकलने के इरादे से। इसके बारे में एक केस स्टडी बताता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। 30 साल का लड़का मेरे पास में आया और उसको प्रॉब्लम था कि मैं घर के बाहर निकलता हूं तो बस वो इरादे से भी, मतलब विचार भी लाया तो विचारों से एकदम जी मचलाना होता है, उल्टियां आती है, फिर चेस्ट पेन हो जाता है और फिर मैं बाहर जाना कैंसिल कर देता हूँ कि लगता है कि बाहर जाऊँ और उल्टियाँ होंगी तो मैं क्या करूँ, लोग क्या कहेंगे उल्टी आ गई तो। मैंने कहा तूने भूखे पेट गए तो? नहीं, भूखे पेट गए तो पेट में तो अनाज रहते ही नहीं है। मगर वो जैसा जी मछला था, इतना बुरी तरह से जी मछला था कि वो कुछ ना कुछ बाहर से म्यूकस वगैरह आ ही जाता, पेट में जो भी सिक्रेशन है वो आ ही जाते बाहर। पूरी ताकत लगाना पड़ता है, इतना दर्द होता है, लोगों को भी अच्छा लगता नहीं है और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई अपने कोई बीमारी उससे मत जाओ बाहर, तो वो बाहर ही जाता है। चेस्ट पेन भी कभी कभी होता है, फिर उसको लगता है अटैक आ गया, फिर अटैक आ गया तो फिर कार्डियोग्राम निकालो, डॉक्टर के पास में जाओ। जब उसको मैंने बोला कि भाई ये शुरुआत कहाँ से हुई, बोले 6 महीने पहले कुछ भी नहीं था और अचानक शुरुआत हो गई। क्या हुआ? तो घटना ऐसी हुई थी कि उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। उसने शेयर मार्केट में अपना पैसा कमा दिया, करीब करीब 25 लाख उसने अंदर घुसा दिए। और जब लोगों के पैसे दे मतलब देने का बाकी था, लोग जब पैसे मांगने आते थे उसके पास में, तो उसको लगा कि अभी पैसे कहाँ से दूँ। फिर एक व्यक्ति ने उसको बहुत ढोस मारा कि भाई तेरे से तो मतलब तू तो पैसा तो तेरे मुंह से बाहर निकालूंगा और तू तेरे तो बिल्कुल मतलब ऐसा ठोकूंगा मैं, मारूंगा कि तू तो पैसा मतलब लेटरिन भी करेंगे पैसे की, ऐसा बुरे बुरे शब्द उसने बोले उसको। और उसको इतना सच्ची लग गया कि अभी मैं इतना ठोकेंगा कि मेरे को लेटरिन हो जाएंगे या मेरे को उल्टियां हो जाएंगी पैसे की, मतलब तेरे पेट में से पैसा निकालूंगा, ऐसा उसने उसको धौंस मार दिया। और फिर उसमें वो इतना दिमाग को लग गया और वो इतना सबकॉन्शियस माइंड में चले गया वो कि तब से उसको उल्टियाँ ही आना चालू हो गई और जी मठलाना उल्टी आना। अब मैंने बोला कि ठीक है, बाद में क्या हुआ? आप उसने तो वो तो चला गया धौंस मार के। बोले उसके फोन आते हैं, धौंस मारते हैं, बोले सच्ची तो कोई पैसा नहीं बाहर निकल रहा है या लेटरिन हो रही है, सच्ची तो मारने नहीं आ रहा है, धौंस मारी उसने, अभी क्या कर सकते हैं? मैं अभी अभी जो भी आपने हुआ है वो उसको वो जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट करो। आपने वो कंप्लीट नहीं किया। 25 लाख रुपए लोगों को आपको देने के हैं और मांगने आते हैं तो आपका जी धड़कन होता है, मतलब जी धड़कता है, लगता है उल्टी आ गई, जी मचलाता है, चेस्ट में दर्द होता है, तो लक्षण ये सब टेंशन एंग्जाइटी के हैं। तो आप अभी ऐसा करो कि उनको सबको कांटेक्ट करो, उनको प्रॉमिस करो कि भाई देखो मेरी ये हालत है, मैंने तो पूरा पैसा गंवा दिया, शेयर मार्केट में सट्टा करके कर दिया पूरा खलास, तो अभी मैं आपके पैसे कब पूरे दे सकता हूँ या वापस कब कर सकता हूँ, उनको प्रॉमिस दो। भले आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल, जैसे भी, मतलब उनको प्रॉमिस दो, उनको लिख के दो, चेक दो और पूरी ताकत से भिड़ो और वो पैसा आपको उनको वापस करने का है, कंप्लीट करो उनका एक्सपीरियंस। एक तो वो कर सकते हैं, आपको देना ही नहीं है तो उनको बोल सकते हैं कि मैं दूंगा नहीं, जो भी होगा वो, अभी तो मेरी हालत नहीं है 25 लाख देने की, जब मैं लौटाऊंगा तब लौटाऊंगा, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बता दो। मगर वो जो पूरा एक्सपीरियंस है उनका भी और आपका भी वो पूरा कंप्लीट करो ताकि फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने उसको मेडिसिन दिया कि जिससे उसको तुरंत फायदा हो जाएगा, है ना, इमीडिएटली उसको जो सिम्टम्स है उल्टियाँ आने के या जी मछलाने के या चेस्ट पेन के, है ना, मतलब ये तो दवाई ली तब 1-2 दिन में उसको आपको फायदा मिल जाएगा, पर अभी हरदम के लिए फायदा होने के लिए या ऐसा कभी भविष्य में नहीं होने के लिए आपको ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो पास्ट है, वो कंप्लीट करो ताकि आपको फ्यूचर में अभी कभी तकलीफ होंगी नहीं। बोले ठीक है मैं करता हूँ। उसने उनसे कुछ लोगों को जाके बोल दिया कि भाई मैं 5 साल तक आपके पैसे लौटाऊंगा नहीं, किसको बोला मैं 1 साल बाद में लौटाऊंगा, वो लिख के दिया उनके साथ में, बातचीत किया, पूरा एक्सपीरियंस उसने कंप्लीट किया, पास कंप्लीट किया। बोले मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। होता क्या है सारांश कि पास में जो भी हो गया वो दिमाग में चल रहा है, जिसके वजह से आपको टेंशन है, एंजाइटी है, घबराहट है और फिर वो कुछ ना कुछ रूप से वो अपने बदन से बाहर आती है। देखो ब्रेन को जो भी तकलीफ हो रही है या ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम है, ब्रेन में जो इम्बैलेंस हो रहा है, तो ब्रेन को बाहर आने का माध्यम क्या है? अपनी बॉडी है। तो फिर ब्रेन जो भी गड़बड़ अंदर हो रही है उसको एक्सप्रेस करने का, बाहर आने का अपना शरीर ये माध्यम है। फिर उसमें उल्टियां होंगी या एसिडिटी होंगी या पेट के प्रॉब्लम होंगे या बदन के प्रॉब्लम होंगे या अटैक आएगा, बीपी होगा, जो भी कुछ होगा वो होगा। तो ब्रेन जो है मतलब भेजा वो ठिकाने पे लगाना और उसके लिए जो भी कॉन्वर्सेशन ब्रेन में है,
जो भी बातचीत चलती है, जो भी अपने थॉट्स है, उसको सही ढंग से लॉजिकली थिंकिंग करके उसको सेटल करना बहुत जरूरी होता है, और वो करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।